हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आत्महत्या बहुत आसान है वर्ड ये बोलना। अक्सर लोग परेशानियों से इतने तंग आ जाते हैं। चैनल पे भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मेल करते हैं कि मैम, मन तो करता है आत्महत्या कर ले। कर सकते हैं आत्महत्या, बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के ज़माने में तो फैशन हो गया है सुइसाइड या आत्महत्या करने जैसे शब्द, आत्महत्या करने के बाद। लेकिन ये पहले आप जान लें कि आत्मा के साथ हमारे क्या होता है। आप सुन करके दंग रह जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आत्महत्या करने के बाद आपकी आत्मा की जो दुर्गति होती है उसको जान करके आप खुद कांप जाने वाले हैं। देखा जाए तो आत्महत्या करना कितना आसान है। आए दिन लोग, बहुत सारे लोग, रोज ही कितने सारे केसेस लोग पढ़ते हैं कि आत्महत्या कर लिया, चाहे कोई एग्जाम में फेल हो गया। स्पेशली आजकल तो बोर्ड एग्जाम्स, उसमें फेलियर्स हो जाते हैं, बच्चे तो कट कट के ऐसे गिरते हैं जैसे आम के पेड़ से आम टूट के गिर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? कोई अच्छे नंबर नहीं ला पाया तो आत्महत्या, कोई किसी को प्यार में नाकामयाबी। आजकल तो प्यार भी, रोज नए नए प्यार होते हैं और उस प्यार में नाकामयाबी मिल जाती है तो आत्महत्या। कोई अपने घर परिवार की अशांतियों के कारण आत्महत्या। कोई के कारण जीवन में इतना स्ट्रेस आ गया है, तनाव भर गया है तो आत्महत्या। पेशेंस नाम की चीज लोगों के अंदर से गुम हो चुकी है। स्थिति चाहे कुछ भी हो, लोग आत्महत्या को एक फैशन बना चुके हैं और एक चलन सा बन गया है। इंसान को लगता है कि अगर अपने दुखों से छुटकारा पाना है तो आत्महत्या कर लो बस, और कुछ किसी को दिखाई नहीं देता। वे समझते हैं यही एक ऐसा इसका उपाय है, चाहे कुछ भी हो जाए कम से कम छुटकारा तो मिल जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके मरने के बाद उनकी आत्मा के साथ, या कहा जाए कि मरने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। आत्महत्या को हर पुराणों में बताया गया है, पाप है, महापाप है। लोग ये समझते हैं कि आत्महत्या करने के बाद मौत तुरंत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, इस धरती को हम क्या कहते हैं? मृत्यु लोक कहते हैं, और आत्मा होना जीवंत होना होता है। मृत्यु हमारी यहाँ हुई हुई थी, हम यहाँ थे जब तक हम मृत थे, और उस शरीर में वापस लौटने के बाद हम जीवंत होते हैं। और ऐसे में दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप खुद हमारे इस मृत्यु लोक से छुटकारा पा करके उसमें जी जाएंगे तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। आत्महत्या करना जितना सरल है, उनके परिणाम झेलना उतने ही कठिन है। एक अस्थाई समस्या का स्थाई समाधान आप इसको नहीं कह सकते। जब भी कोई पर्सन डिप्रेशन में होता है तो हम क्या करते हैं? लेट सपोज मैं ही डिप्रेशन में हूँ तो मैं क्या सोचूंगी? अभी जो मेरे सर्कमस्टांसेस है, अभी जो मेरे आसपास जो हो रहा है, या अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप क्या सोचेंगे? अभी आपके आसपास जो सर्कमस्टांसेस है, जैसे पैसे की फाइनेंशियली ज़बरदस्त दिक्कत है, आप लोन से घिर चुके हैं, आपके पास काम नहीं है, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा है, आपके घर में सभी लोग बीमार हैं, आप अभी जिस परिस्थिति में हैं मेंटल, आप क्या सोच रहे हैं? आपके आसपास का परिवेश कैसा है? आप उस वर्तमान क्षण को जी रहे हैं अभी अभी, और आप इस मोमेंट में आप जी नहीं पा रहे, ये आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज से एक महीने बाद जब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब आपको खुद लगेगा कि हाँ, मुझे जीना है। जब आपकी वाइफ की हैप्पी बर्थडे आएगी आपको लगेगा कि अरे, मुझे उसको क्या गिफ्ट देना है। जब आपके बच्चे का ग्रेजुएशन सेरेमनी होगा या स्कूल में रिजल्ट लेने जाना होगा तब आप सोचेंगे अरे, मेरे बच्चे ने रिजल्ट ऐसा किया है। जब आपको अपने मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट देना होगा तब आप सोचेंगे कि अरे, मेरे मॉम डैड को मैं कैसे खुश कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये जो क्षण भर की इमोशनल फीलिंग होती है, टेम्पररी फीलिंग होती है, इसमें इस प्रकार के मरने जैसे, आत्महत्या जैसे परमानेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक बार जब मनुष्य उस परिस्थिति में आके, टेम्पररी सिचुएशन में खुद को पा करके परमानेंट डिसीजन लेता है दोस्तों, बाकी सारे डिसीजंस वापस हो सकते हैं लेकिन वापस से आप जी नहीं सकते। इसलिए आत्महत्या जैसे डिसीजन कभी भी इम्पल्स में आकर के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े समय बाद आपको जीवित रहने की इच्छा होने लगती है। काफ़ी लोगों से ऐसा मेरी बात हुई, थोड़े टाइम बाद वो कहते कि मैम, हमें मरना नहीं है, सिर्फ हम अपनी पीड़ा को, अपने अंदर की तकलीफ को मारना चाहते हैं। इंसान की मृत्यु होना बिल्कुल स्वाभाविक है,
ठीक बात होती है लोगों की कहने कि आज मरेंगे कल मर जाएंगे या कल मरते आज मर जाएंगे, बात तो एक ही है लेकिन दोस्तों जाने का तरीका अलग अलग है। जो लोग पृथ्वी पे जो नियम बनाए गए हैं, जिनको हम भगवान बोले, कोई सुपर पावर बोले, जो भी सुपर ह्यूमन बोले, जिन्होंने भी हमारे लिए रूल्स रखे हैं कि इतनी लाइफ आपको जीनी है, वो जीनी है, और समय से पहले अगर आपकी मृत्यु होती है तो दोस्तों आपको मुक्ति कैसे मिल सकती है। बहुत सारे धर्म में, दुनिया के अधिकतर धर्मों में कहा जाता है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा पर शैतान अधिकार करता है, भूत प्रेत का साया होता है, नरक की आग में हजारों साल जलता है। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें इन धर्मों से अलग बातें बताई गई है। माना जाता है आत्महत्या आप कर सकते हैं फिर भी आपको मुक्ति मिल सकती है। आप सुन करके जो करने वाले होंगे आत्महत्या, मुझे लगता है वो थोड़ा खुश हो गए होंगे इस बात को सुन के, पर ज़्यादा खुश ना हुए, पहले समझ लें, पूरी बात सुने। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति की मौत के बाद का जीवन पूरी तरह, आपने जो भी जीवन पर कर्म किया है, आपकी जो भी इच्छाएं रह चुकी है मरने के पहले, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने पूरे जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो आप आत्महत्या कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपकी कोई इच्छा अंदर में अधूरी नहीं रही है, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो मरने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, और आपकी रूह बहुत ही भयानक तरीके से, जैसे एक पंछी जाल में फंसा होता है ना, पिंजड़े में फंस जाता है, या कहीं पेड़ों के बीच में, पत्तियों के बीच में जाल में उलझ जाता है, छटपटाता है, या एक शेर हो, लायन हो, उसको आप जाल में फंसा लीजिए गड्ढे में, और फिर जब वो गड्ढे से बेचैन होकर बाहर निकलना चाहता है वो निकल नहीं पाता है, उस तरीके की इंसान की हालत हो जाती है। मरने के बाद भी, आत्महत्या के बाद भी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा हमारा धर्म कहता है, और फिर वो अगले जीवन की यात्रा के लिए रवाना भी हो सकता है आत्महत्या के बाद, लेकिन ये तभी हो पाता है जब उस व्यक्ति की उम्र पूरी हो चुकी हो, या उसने परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए, या अपने जीवन को सफिशिएंट जी करके शांत चित्त से, अब उनके जीवन में कुछ शेष नहीं रह गया है, कोई इच्छा नहीं रह गई है, तब मनुष्य परमार्थ के लिए ऐसा करता हो तो उस स्थिति में आत्महत्या के बाद मनुष्य को शांति मिलती है और वो नया जन्म ले सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में अगर आपकी अधूरी इच्छाएं रह गई है और आत्महत्या करने के बाद आप क्या बनते हैं? भूत प्रेत। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत विवश होकर के आत्महत्या कर रहा है और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, इसलिए उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती और किसी न किसी नीच योनि में, किसी भूत की योनि में, किसी प्रेत की योनि में, किसी पिशाच जैसी योनि में प्रवेश कर जाता है, और इन्हीं योनियों में उसको तब तक बंद करके रहना पड़ता है जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होती। और अपनी उम्र पूरी होने तक इन योनियों में बंद करके लोगों को पीड़ित करता है, वो खुद भी पीड़ित होता है, लोगों को पीड़ित करता है अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कई बार दूसरे मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उनके माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। दोस्तों आत्मा की इसी अवस्था को नरक कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां ऐसा अनुभव होता है कि किसी पक्षी को जाल में कसकर बांध दिया गया हो, ऐसी स्थिति में दुख पीड़ा अंधकार के अलावा इंसान को कुछ हासिल नहीं होता, और भगवान भी अनमोल मनुष्य जीवन की कद्र नहीं करने वाले को उनकी भी परवाह नहीं करते, उनको दुख और ज़्यादा देते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने मनुष्य जीवन की इच्छा को पूर्ण करने वाला जो जीवन है, इवन आप सोचिए भगवान को भी अगर धरती को बदलना है, कोई भी कुछ धरती पे किसी चीज़ को चेंज करना है, तो क्या करते हैं? भगवान भी मनुष्य का अवतार लेकर के आते हैं। भगवान को भी, देवी देवताओं को भी, के लिए भी दुर्लभ होता है मनुष्य जन्म। इसी प्रकार से हमें इस दुर्लभ जन्म को दिया गया है, और जो इस जीवन की कद्र नहीं करते हैं उनके अच्छे कर्म उनकी मुक्ति में सहायक नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग अपने जीवन की परवाह करते हैं, भगवान भी उनके अच्छे कर्म जरूर उनकी मुक्ति में सहायक बना करके उनकी इच्छाओं को सिद्ध करते हैं। और आत्महत्या अगर किसी ने कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि उसकी मुक्ति नहीं की जा सकती है, पहला तो करना ही नहीं चाहिए। और कुछ लोग जो अधूरी इच्छाओं के कारण मृत्यु करते हैं, दूसरों को सताते हैं, उन मृत आत्माओं के हेतु आपको तर्पण जरूर करना चाहिए।
पिंडदान आदि किया जाता है। मृत आत्मा की शांति के हेतु सत्कर्म करने पड़ते हैं, रामायण पाठ, गीता पाठ, भागवत पाठ, और मृत आत्मा की जो भी अधूरी इच्छा हो उसको पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं ये बोलती हूँ कि अगर मरने के बाद आप किसी की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो क्यों नहीं जीते जी किसी की इच्छा पूर्ण की जाए। मोक्ष उन्हीं लोगों का हो पाता है जीवन में मरने के बाद आत्मा उन्हीं लोगों की चैन से रहती है जिनके मन में कोई इच्छा अधूरी नहीं रह जाती है। कोई भी मृत व्यक्ति की अधूरी इच्छा जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बढ़िया रहन सहन आदि को पूरा करने का प्रयास करें तो कई बार वो आत्मा मुक्त होकर के अपनी अपनी यात्रा पर निकल जाती है। दोस्तों आत्महत्या करने के बाद की दुर्दशा बहुत खतरनाक और भयंकर होती है। नरक के निम्न स्तर पर पहुंचने के बाद भूख लगती है, कस करके भूख लगती है आत्मा को, और जब भूख लगती है तो भूख नहीं मिटती, प्यास लगती है, प्यास नहीं मिटती कोसों तक। जैसे कोई मरुस्थल है, रेगिस्तान है, एकदम निर्जन होता है, एकदम शांत होता है, सिर्फ बुरी बुरी आत्माएं, हर आत्मा अकेली और हर आत्मा पागलों की जैसे भटकती रहती है। सब कोई जैसे अकेले होते हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, कहीं कोई रोशनी की गुंजाइश नहीं होती है, ना कोई सूर्य की किरण और ना ही चांद का प्रकाश। एक छोटा सा छेद होता है जहां से वो देवलोक या सुख वाला लोक या परलोक दिखाई देता है। सूर्य की तेज रोशनी होती है वहां, और मनुष्य उस छेद से, आत्मा उस छेद से उस पार जाने की कोशिश करती है पर उलझ कर रह जाती है, जा नहीं सकती। एक छोटा सा छेद होता है, एक नदी दिखाई देती है, खूबसूरत सा जन्नत दिखाई देता है उस पार, नदी के उस पार। लेकिन जैसे ही वो आत्मा उस नदी में पैर रखती है, सैकड़ों क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, कितने तरह के जंगली सांप, बिच्छू पानी में खाने को तैयार बैठते हैं आत्मा को, वो जा नहीं पाता। इस तरह से आत्मा की कंडीशन हो जाती है। दोस्तों कुछ लोग जो अपनी जिंदगी के परेशानियों से इतने दुखी हो चुके हैं, आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, ऐसे में कुछ लोग गले से लगा लेते हैं मृत्यु को। लेकिन आत्महत्या करने के बाद इंसान की आत्मा की जो दुर्गति होती है वो गरुड़ पुराण में भी आत्महत्या से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें बताई गई है। दोस्तों पुराणों के अनुसार जन्म और मृत्यु प्रकृति द्वारा पुनः पूर्व जन्म के आधार पर निर्धारित कर जाती है। जैसे किसी मनुष्य की आयु अगर 50 साल निर्धारित की गई है तो अगर जीवन से हताश होकर के उसने 30 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली तो बाकी के 20 साल उसे आत्मा मुक्ति के लिए इसी प्रकार भटकते रहना पड़ता है। अगर कोई उसकी इच्छा अधूरी रह गई तो उसे पूरा करने के लिए वो आत्मा विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। ऐसा भी नहीं है कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि उम्र से हमेशा और परमार्थ के लिए किया गया अगर आत्महत्या हो तो ही सिद्ध हो सकता है, इसके अलावा किसी भी मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों अगर सही मायने में कहा जाए तो इंसान को कितना भी कष्ट क्यों ना हो उसे आत्महत्या किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। गले लगाएं, अगर आपको लगता है कोई दुखी है, कोई परेशान है आपके आसपास, इस कदर तक पहुंच चुका है कि वो आत्महत्या करने वाला है, तो आत्महत्या उसको करने के पहले उसको गले लगाएं। क्योंकि जिस वजह से कोई भी इंसान अपने जीवन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है उसका अकेलापन। जिंदगी इतनी सरल नहीं है, ठीक है तनाव होता है, बहुत होता है, लेकिन आत्महत्या इसका उपाय नहीं है, इसका उत्तर नहीं है। हमेशा ध्यान रखें जीवन में दो चक्के जैसे घूमते हैं, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, वैसे ही आता चला जाता है, बस समय की देरी होती है, पेशेंस की कमी होती है। मैं जानती हूँ बहुत बेचैनी, उसे एक एक पल इंसान 100 बार मर मर कर जीता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने अपने जीवन में तकलीफें नहीं देखी है, और आपको मैं बता रही हूँ दोस्तों आप जितनी तकलीफ झेलेंगे, जो अच्छे होते हैं उन्हें भगवान ज्यादा तकलीफ देते हैं, और इसका उत्तर यही है कि आपके पिछले जन्म के पापों में तेजी करके भगवान आपको एक बार में जल्दी जल्दी भुगा करके आपके कष्टों को खत्म करते हैं। इसलिए जब भी आपके भोगने में तेजी आए तो ये समझ लें आपके पिछले पाप नष्ट हो रहे हैं और आने वाला समय आपका सबसे ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। इसी आशा के साथ हमेशा अपने कष्ट के दिनों को अच्छे से झेला करें, अच्छे से भोगें। और दोस्तों इसलिए भी होता है कि आप जरूर पिछले जन्म में कोई आपने पाप किए होंगे तभी ऐसा दुख आपके जीवन में दस्तक देता है।
उपाय यही है कि इस समय भगवान का साथ ना छोड़ें, अपने दोस्तों का हाथ ना छोड़ें, अपना हाथ ना छोड़ें। और मैं बैठी हूँ दोस्तों आप सभी के साथ। कभी भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम लगे, आप हमेशा मुझे लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। एक बार मुझसे बात ज़रूर करें दोस्तों, अपने मम्मी पापा से बात करें, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से, उस एक इंसान से इस पृथ्वी पर बात करें जिसको शायद सच्चे दिल से आपकी ज़रूरत है। और दोस्तों, और किसी को हो ना हो, मुझे आप हर एक पर्सन की इस जीवन में बहुत बहुत ज़रूरत है। इसलिए जब कोई ना हो तो मैं हूँ आपके लिए। इसलिए कभी आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना है। जहाँ पे जिस स्थिति में भी आप बैठे हों, मुझे सुनते हो, मुझे सुन रहे हो, कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि आप अकेले हैं तो उस समय मुझे याद कर लेना दोस्तों, और मैं हमेशा आप सभी के साथ रहने वाली हूँ। दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और कभी भी आत्महत्या जैसे उपाय अगर किसी के मन में आते हैं तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा कदम होता है, क्योंकि जब हम मरने जाते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान के हाथ पांव टूट के रह जाते हैं और वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है वो ही हमारे दुख दूर करेंगे। इस तरह से भगवान के ऊपर सब कुछ डाल करके, जो कुछ तूने दिया वो सब कुछ है तेरा, बस ये मन में करके आप भगवान के ऊपर निमित्त होकर के अपने आप को छोड़ दे दोस्तों, आप देखिए भगवान आपके कैसे सारे दुख दर्द दूर करते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाली वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। और आपको लगता है कि कोई लोग भी बहुत ज़्यादा इस जीवन से दुखी हैं तो एक बार इन वीडियोस को दोस्तों उनसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।